अब देखिए अपना अगला सवाल है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखिए 2x² - 8, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 2 को कॉमन निकालिए, x² - 4 × 8। अब फिर इसके टुकड़े करेंगे 2, ये देखो ये भी वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग संख्या है, जिस प्रकार से अपना a² - b² होता है, तो a+b लिखते हैं और a - b लिखते हैं, उसी प्रकार ये लिखेंगे s² - 2 का होल स्क्वायर 2 x + 2 और x - 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। आगे बात देखिए अपना, ये इसमें इसको और इसको गुणा करिए, 6x² बीच वाले के टुकड़े करने हैं, जो दोनों को गुणा करने पर 6x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -5x आना चाहिए। जब पहला चिन्ह माइनस हो, दूसरा प्लस हो, दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं, 3 × 6 यानी 3x और 2x, दोनों माइनस करेंगे, x² - 3x - 2x और आगे वाला देखो प्लस का 6, 2 के इस प्रकार गुणनखंड बनाओ, ये x - 3 और माइनस यहां से निकालेंगे 2x, ये चिन्ह माइनस का आते अंदर चिन्ह हो गया, चिन्ह हो गया 3 × 6। अब हो गया ये x और बाहर वाले देखो x - 2, अंदर वाले दोनों एक जैसे हैं और x - 3। अब दोनों के अंदर मिलाएंगे, देखिए x - 2 एक बार ही है, पहले तो ये 2 लिख दूं मैं, ये देखो x - 2 इन दोनों में से एक ले लो, x+2 यहां नहीं है, नहीं है तो भी जो अलग उसको लेना पड़ता है, तो x+2। अब देखिए x - 3 यहां नहीं है, यहां है तो इसको भी लेना पड़ेगा, ये हो गए। अब देखिए आप 2x - 2 x+2, एक प्लस का है, एक किसका है, माइनस का, तो जिस प्रकार a+b और a - b होता है, तो a² - b² करते हैं, उसी प्रकार इसमें करो x² - 2 को 2 से करेंगे, 2 × 4 यानी 2² करेंगे तो 2 × 4 और ये हो गया x - 3, ये इसका LCM आ गया, LCM। अगर अपने को इसका HCF पूछता तो दोनों में क्या चीज मिल रही है, x - 2 और x - 2, तो महत्तम कितना होता, x - 2 कितना होता, x - 2 यानी महत्तम वो होता है जो दोनों दो हो, बीच में है 3 हो, जो तीनों में मिलता है कॉमन आता है वो उसका HCF होता है, क्या होता है, HCF। अब आगे वाले देखिए आपका x² - 1, तो अपने को ये गुणनखंड याद रखना चाहिए a² - b² एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि x² भी वर्ग संख्या है, 1 भी वर्ग संख्या है, तो इसको मैं लिख दूं x+1 और x - 1, ये पहले का गुणनखंड हो गया इसका, ठीक है। दूसरा देखो प्लस में है, दूसरी संख्या इसका कोई टुकड़ा नहीं, x² + 1, फिर ये देखो x+1 हो गया, फिर ये इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि बार बार वहां एक आता है, एक को एक से गुणा करते हैं या माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो भी यहां 2 आ जाते हैं, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, तीसरा गुणनखंड x² - 1 ये रह गया। अब तीनों के अंदर मिलाइए, देखो मिलता तो कोई नहीं, यहां देखो x+1 एक बार लिख दूं मैं इनको x - 2 यहां भी नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता उसको मिलाना है x - 1 लिख दिया, फिर देखो x² + 1 ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, x² + x - 1 ठीक है। अब देखिए ये इधर ये a प्लस में है, एक इसमें है, तो a+b और a - b तो माइनस वाई का स्क्वायर करते, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा x² - 1 हो गया, नहीं हो गया, फिर यह इसका नंबर आ गया आगे वाले का, एक्स
स्क्वायर प्लस एक और ये आगे वाला आ गया एच स्क्वायर एक्स माइनस एक। और देखिए फिर ये दोनों फिर देखिए एक प्लस में आ गया कि माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस है एक इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा देखो एक्स की स्क्वायर का और स्क्वायर माइनस एक का और स्क्वायर तो एक्स की दो चार माइनस एक और ये आगे वाला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस है एक ये आ गया इसका एल सी एम ठीक है।